मैं आपका मेज़बान मोहम्मद अहमद वेलकम आपका फेस ऑफ जिन्नात में। आज आपके लिए आज मैं एक स्पेशल वीडियो लेके आया हूँ। हमें किसी ने बताया कि किसी के घर में मेरा दोस्त है, उन्होंने बताया कि किसी के घर में एक लड़की है तो वो उसके अंदर जिन्नात वगैरह है। तो आज हम उधर आए और आप लोगों को दिखाते हैं कि वो लड़की किस जगह पे है। मैं उसके रूम के अंदर ही खड़ा हुआ हूँ तो वो इधर बैठी हुई है। तो हम लोग आपको दिखाते हैं कि उसने अपने बाजुओं पे कैसे ज़ख्म किए हुए हैं और अजीब अजीब सी आवाज़ें निकालती है। तो आप ये वीडियो ज़रूर शुरू से लेकर एंड तक देखें, शुक्रिया। ये आप देख सकते हैं, यह लड़की ने अपने बाजुओं पे ज़ख्म किए हुए हैं और अजीब अजीब सी हरकतें करती रहती है। ये आप देख सकते हैं, ये जो इसके हाथों पे ज़ख्म है ये इसने खुद किए हुए हैं, खुद अपने खुरेद खुरीद के। ये ऐसे, ये आप देख सकते हैं, मैं पहली मर्तबा ऐसी वीडियो बनाने लगा हूँ। देखें, आपको हम कुछ नहीं कह रहे, ये जो आप इसकी आवाज़ सुन रहे हैं, इसके जो वालदैन हैं वो भी कहते हैं ऐसे ही करती है ये। इसे एक कमरे में अकेला छोड़ा हुआ है, जो ये जो आप इसके देख रहे हैं, जिस बेड के ऊपर बैठी हुई है, ये बेड के कोनों के आसपास तवीत वगैरह लगाए हुए हैं कि इधर से हिल के किसी दूसरी साइड पे ना जाए। अच्छा, आप देख सकते हैं इसकी कैसी आवाज़ निकल रही। तो कोई कहते हैं ये बच्ची जो मेंटल है, और कोई जो कहते हैं कि इसके अंदर हवाई चीज़ें और जिन्नात है। ये आप देख सकते हैं कैसी अजीब अजीब सी हरकतें कर रही है ये बच्ची। अस्तग़फ़िरुल्लाह, इसके तो मुंह के ऊपर खून भी लगा हुआ है। आप देख सकते हैं, मैं एक दफा खामोश हो जाते हैं। तो हम तो एक दफा बाहर भाग गए थे क्योंकि हमारे पीछे आ गई थी ये। तो काफ़ी ज़्यादा ये परेशानी में है जो इनके घर वाले हैं। ये लगता बेहोश हो गई है, ये ऐसे ही करती है। इसके घर वाले भी कहते हैं ये ऐसे ही करती है। पहले तो काफ़ी ज़्यादा वो भी डरते थे, लेकिन अब वो उनको इसकी ये जो हरकतें उनको आदत हो गई है। कभी कहते हैं रोने लग जाती है, कभी कहते हैं हंसने लग जाती है, कभी ये बेहोश हो जाती है, कभी ठीक हो जाती है। ये आप देख सकते हैं, ये तो
धुआं निकलना शुरू हो गया इसके बेड के पास से। अब रोने लग गई है। आप इसके हाथ देख सकते हैं, अजीब सा कलर हुआ है इसके हाथों का, ऊपर जख्म किए हुए हैं इसने। डॉक्टरों को भी दिखाया है इन लोगों ने, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि ये हमारा जो हमारी हम इसकी ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, इसे ट्रीटमेंट का कोई मसला नहीं है, आप किसी बुज़ुर्ग को दिखाएं। ये देखें ना, इसके हाथ अजीब अजीब से हैं। ये खुद जख्म किया हुआ इसने, तू मरेगा, ये ऐसे ही चीखती चिल्लाती रहती है, तू मरेगा, तू ऐसे हो जाएगा, तू ऐसे हो जाएगा। काफी ज्यादा जो इसके अंदर हमें महसूस हो रही एक्टिविटी है, याद दे सकते हैं, अपना सर नीचे टकराने लग गई है। तो इनके घर वालों ने एक दो दफ़ा किसी पीर वगैरह को भी बुलाया है, लेकिन उसकी समझ में नहीं आया। वो कहता है कि आप और किसी को दिखा लें। ऐसे ही करती है, ये तूने मेरी बात नहीं मानी। एक दफ़ा तो हम बाहर की तरफ भाग चुके हैं, दोबारा लगता फिर हमें बाहर की तरफ जाना ही पड़ेगा। फिर रोने लग गई। इनके घर वालों से हमने इजाज़त ली है, हमारे पास इधर खड़े हुए हैं, लेकिन वो कैमरे के सामने नहीं आएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं अजीब अजीब सी हरकतें कर रही है। ये तो यार हमारी तरफ ही आना शुरू हो गई थी।
अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। मेरा ख्याल है हमें इधर से जाना चाहिए वापस। हम जैसे ही बोलते हैं ये ज़्यादा चीखना चलाना शुरू कर देती है, इसलिए हम खामोश होकर खड़े हुए हैं इधर। हम इसके साथ सवाल जवाब नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारा काम नहीं है, ये पीर लोग ही काम करते हैं, उनका काम है सवाल जवाब करना। हम नहीं कर सकते इनके साथ सवाल जवाब। तो अभी हम इधर से वापस जाते हैं। चलो यहाँ से।